और मैं हूँ फरीद शान। ये नाज़रीन आपको बताते चलें कि कहीं रोज से ये मुलाज़मीन जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 16 दिनों से, लेकिन कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं, ना इनका कोई ये पूछने वाला आया कि तुम लोगों को क्या परेशानी है, तुम क्यों स्ट्राइक पे बैठे हो। तो इसी ज़िम्मे में हमारे साथ ये लोग जुड़ चुके हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको क्या परेशानी आन पड़ी कि ये यहाँ रोड पर बैठने को मजबूर हुए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मीर हुसैन जनाब जी, आरएस ब्लॉक मोहर। सर क्या मुसीबत आन पड़ी कि आप रोड पर बैठने के लिए मजबूर हुए? जनाब देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो इंजीनियरिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लोगों को 10 साल हो गए, कुछ को 12 और 14 साल मैक्सिमम, कुछ को 14 साल हो चुके हैं, जो पिछले 14 सालों से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नरेगा के अंदर अपने जो खिदमत हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। तो हमें तो यही था कि हमें डिपार्टमेंट में हमारे काम की बिना पर देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंसाफ आएगा और हमें इस महकमे के अंदर एग्जर्ट किया जाएगा, लेकिन पिछले 12-14 सालों से हमें देखते हो गए, लेकिन हमारे लिए अभी कोई किसी किस्म की जॉब पॉलिसी जो है से नहीं बनाई गई है। चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो पे है वो 1806 रुपये GRS की है। ऐसे ही हमारी अलग अलग विंग्स हैं, हमारे MIS ऑपरेटर ब्लॉक लेवल पे है, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं जिनके पास 6-6 पंचायतें हैं, तो हमारे PO साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सोशल कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम सभी जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही गवर्नमेंट ने हमें लगाया है, और हमें ये था कि हमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें इस महकमे के अंदर अब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अभी तक वैसा कोई आउटपुट देखने को नहीं मिला है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी हमें फ़ोन कॉल्स के मुताबिक हमें मौसूल किया कि वो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जो है वो पेंडोन स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो आखिर आपकी ये जदोजहद कब तक रहेगी? जी ये तो हमारा डिपेंड करता है, एज़ पर हमारी जो स्टेट बॉडी यूनियन है उस पर डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगी हमने उसको अवॉइड करना है, उसके कहने पे हमने चलना है। तो अब हमारा यही है कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमारी सरसाइट जो है ये आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। बहुत बड़ी परेशानियाँ यही हैं, और जब तक हम भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसे आप जानते ही होंगे, यहाँ डिपार्टमेंट में कंफर्म करके आपको मालूम होगा, पंचायत सेक्रेटरी जो है हमारे पास सेक्रेटरी जो है 5 या 6 हैं टोटल पूरे ब्लॉक के अंदर। एक एक सेक्रेटरी के पास कम से कम जो भी है पंचायतें 6-7 पंचायतें पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे GRS हैं, GRS ग्राउंड टू ग्राउंड चलते हैं, या GRS के पास इस वक्त PMAY का काम जो है वो GRS करता है, ये SDM का काम जो है वो GRS करता है, उसके बाद MG निरिगा वो तो है ही इनके पास ही, वो इन्होंने करना है। लेकिन जब तक ये GRSों को GRS काम नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, इनके पास जो है कोई सोर्स नहीं है, गवर्नमेंट जो है इनको रिकोगनाइज़ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, इनके पास सोर्स ही नहीं है कुछ काम करने का, आगे पीछे जाने का कोई व्हीकल्स नहीं है इनके पास, कोई कुछ नहीं है इनके पास, इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर GRS जितने भी हमारे पास यहाँ पे हैं पूरे स्टेट के अंदर GRS को परमानेंट किया जाए, ताकि पंचायत लेवल जो काम है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। अगर इसी तरह ये स्ट्राइक पर रहेंगे तो हमें ये आदर्श हो रहा है, जिस तरह से हम पंचायतों के अंदर, हमें अगले दौर में कुछ ही दिनों के बाद हमें GRSों के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काम जब तक नहीं होंगे तब तक हम गवर्नमेंट के साथ पूरे दावा के साथ ये इनका दावा करेंगे, जो कि पंचायत लेवल पे जो काम है हमारे GRS के बिना बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। आज के दौर में कोरोना के कहर में गरीबों का पैसा जो इन्होंने डालना था ऑनलाइन सिस्टम से पैसा पड़ता है, लेकिन इन्होंने पेंडाउन काम किया है तो काम नहीं हो रहा है, हमें बहुत बड़ी दिक्कतदारी आ रही है। GRS जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम जो है अलग तरीके का है। GRS